नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में, सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में शराब पीकर वाहन चलाने व स्कूटी की नंबर प्लेट को कपड़े से ढककर तीन सवारी बैठाकर वाहन चलाने तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई के तहत उप निरीक्षक यातायात दरबान सिंह द्वारा कपड़े से ढकी नंबर प्लेट वाले चालक के विरुद्ध MB एक्ट की विभिन्न धाराओं में चालान कर स्कूटी को सीज किया गया। धारचूला थानाध्यक्ष KS रावत द्वारा वाहन चालक देवेंद्र कुमार उम्र 36 वर्ष तथा मुंशियारी अपर उप निरीक्षक कृपाल सिंह द्वारा वाहन चालक गोविंद बेलाल निवासी हल्द्वानी को शराब के नशे में वाहन चलाने पर दोनों को गिरफ्तार कर वाहन सीज किए गए। बेरीनाग में हाईवे पेट्रोल यूनिट 2 द्वारा शराब के नशे में अपनी माँ व पत्नी के साथ गाली गलौज व झगड़ा करने पर उप निरीक्षक रविन्द्र पंक्ति कांस्टेबल संतोष डोवाल द्वारा आरोपी शंकर दत्त निवासी खांडा किरौली को 151 CRPC के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त यातायात नियमों व मिशन मर्यादा का उल्लंघन करने पर 131 लोगों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। सत्यापन अभियान के तहत पिथौरागढ़ जिले में पुलिस द्वारा 55 बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया गया। इन्होंने तलाश से बचने के लिए अपनी गाड़ी में एक कपड़ा बांध रखा है और ये कपड़ा ऐसे बांध रखा है ताकि जिसमें इनको अपने वाहन का चालान से बच जाए। और ये ट्रिपल राइडिंग आ रहे थे तो इनके द्वारा ऐसे नंबर प्लेट और इनका गाड़ी को चालान किया जाएगा और सीज किया जाएगा। विद्यालय की छुट्टी होने के बाद काफी देर तक घर ना पहुंचे नाबालिग बच्चे को बागेश्वर पुलिस ने शीघ्र तलाश कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बागेश्वर के कठायत पाड़ा में रहने वाले एक व्यक्ति ने कोतवाली में सूचना देकर बताया कि उसका 10 वर्षीय भाई जो एक निजी स्कूल में पढ़ता है, स्कूल की छुट्टी के बाद घर नहीं पहुंचा। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के निर्देशानुसार पुलिस टीम द्वारा बालक की खोजबीन की गई। इस दौरान बालक मंडलसिरा के निकट घूमता हुआ मिल गया, जिसे सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया, जिसको लेकर परिजनों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया है। अवैध रूप से कार में परिवहन की जा रही 10 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर वाहन को सीज कर लिया। चमोली पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक परमेंद्र डोवाल के आदेशानुसार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत कर्णप्रयाग कोतवाली निरीक्षक ब्रजमोहन राणा के नेतृत्व में सिमली बैरियर के निकट चेकिंग के दौरान पुलिस टीम द्वारा एक कार में से 10 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद कर दो आरोपियों कैलाश ग्राम बड़ेत उम्र 26 वर्ष व हरीश निवासी खेती चमोली को गिरफ्तार कर वाहन सीज किया गया। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला पंजीकृत किया गया है। पुलिस टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक देवेंद्र पंत, महिला उप निरीक्षक सुधा सहित अन्य कर्मी शामिल थे। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में अवैध शराब तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत तीन अलग अलग मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने 76 पेटी 10 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब और 5 लीटर कच्ची शराब बरामद कर एक पिकअप वाहन सीज किया। पिथौरागढ़ पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार थानाध्यक्ष स्थल योगेश कुमार, हेड कांस्टेबल सुरेश चंद, पवन कुमार व राजेश कुमार और कांस्टेबल जगदीश मारकुना मसमोली गांव के पास चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन से वाहन चालक भरत सिंह निवासी धुरौली उम्र 23 वर्ष को कुल 76 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार कर वाहन को सीज किया गया। थानाध्यक्ष चाचर देवल प्रकाश पांडे के नेतृत्व में सूरज सिंह बीसावजेड़ उम्र 32 वर्ष अपनी चाय की दुकान में लोगों को शराब पिलाने और बेचने के साथ 10 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। प्रभारी निरीक्षक जलजीवी संजीव कुमार के नेतृत्व में अपर उप निरीक्षक किशन सिंह, हेड कांस्टेबल अशोक कुमार ने अशोक नेगी निवासी बलवाकोट उम्र 33 वर्ष को 5 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर तीनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम में अभियुक्त पंजीकृत किया गया। बाइक में लिफ्ट देकर अनैतिक कार्य करने के लिए दबाव बनाने पर गुस्साई आरोपी ने व्यक्ति की हत्या कर दी। सनसनीखेज मर्डर का उधम सिंह नगर पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उधम सिंह नगर पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते 20 जुलाई को जसपुर क्षेत्र में अज्ञात शव मिलने की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली टीम के साथ स्थल पर पहुंचे और शव को देखने पर प्रथम दृष्टया हत्या का अंदेशा हुआ। मामले को लेकर वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर मामला पंजीकृत करते हुए SSP डॉक्टर मंजुनाथ TC के आदेशानुसार 10 टीमों का गठन किया गया। टीमों द्वारा CCTV फुटेज का गालने व अन्य माध्यमों से जानकारी जुटाते हुए बीते दिवस मुखबिर की सूचना पर रोहतास कुमार निवासी हिम्मतपुर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बीते 18 जुलाई को मृतक द्वारा अपनी बाइक में लिफ्ट देने के बाद अपने घर की बात बताने लगा और अपने को डंपर
मालिक को खनन कार्य करने वाला बताया और रास्ते में खाना भी खिलाया। चक्रोट पर आकर मृतक ने आरोपी से अनैतिक कार्य करने को कहा और गलत हरकत करने लगा। आरोपी के मना करने पर मृतक ने अपने साथ लाई चुन्नी से उसके हाथ बांधने का प्रयास किया तो आरोपी को काफी गुस्सा आ गया और आरोपी ने चुन्नी घुमाकर मृतक के गले में डालकर पूरी ताकत से गला घोंट दिया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। गुस्साए आरोपी ने पास पड़े पत्थर से उसके चेहरे पर वार कर दिया। मृतक मोहम्मद आरिफ जसपुर मुहर्रम कमेटी का अध्यक्ष था, जिसकी हत्या की सूचना पर जसपुर क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।